हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे यानी लाई का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इसे मैं सिर्फ एक चम्मच तेल से बनाऊंगी और इसके साथ खाने के लिए एक चटनी भी बनाऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आपकी रसोई विद सीमा। मैंने 2 कटोरी मुरमुरे लिए हैं, आप कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मुरमुरे में हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम धो लेंगे। इसे हम धो लेंगे अच्छे से एक बार, और धोने के बाद हम इसे रेस्ट पे रख देंगे जिससे मुरमुरे अच्छे से फूल जाएंगे। और मुरमुरे को धोने से ये होगा कि मुरमुरे में जो भी गंदगी होगी या भी कोई पाउडर होगा तो वो निकल जाएगा। तो हम इसे धो लिया है, अब इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। बस 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे रखना है। और देखिए हमारे मुरमुरे अच्छे से फूल गए हैं। चलिए अब हम इसे छान लेते हैं, और छान कर सीधे हम मिक्सी जार में डालेंगे क्योंकि हमें मुरमुरे का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और देखिए हमारे मुरमुरे अच्छे से फूल चुके हैं, इसे हम मसल के भी देख लेते हैं। अब सारे मुरमुरे को हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट की तरह पीस कर तैयार करेंगे। इसमें कोई भी दरदरा पार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नाश्ते अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए इसका पेस्ट अच्छे से पीस कर तैयार करना है। और हाँ गाइज, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद देखिए ये पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है और इसमें कोई भी दरदरा पार्ट नहीं है। इसे हम हाथों से भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह पीस कर तैयार हुआ है। अब इस मिश्रण को हम एक बर्तन में डालेंगे। इस पेस्ट में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे ये पतला हो जाएगा, क्योंकि ये गाढ़ा पेस्ट बना हुआ है अभी। इसमें थोड़ा सा मिक्सर जार में पानी डालकर इसे पेस्ट में डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 कप सूजी, बारीक या मोटा कोई भी आप ले सकते हैं। सूजी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1 कप दही, जिस कटोरी से हम मुरमुरे लिए थे उसी कटोरी से हम 1 कटोरी यहाँ दही लिया है और 1 कटोरी सूजी लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुरमुरा और सूजी पानी सोख लेता है, इसलिए आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से ही डालें। और हाँ, यहाँ पे आप सूजी की जगह इडली रवा या दलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। चलिए हमने इसे मिक्स कर लिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए फिर से रेस्ट पे रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तब तक हम एक चटनी तैयार करेंगे। और इस चटनी को हम बनाने के लिए ना ही हम प्याज डालेंगे और ना ही लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच चना दाल और इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और इसके साथ में हम 1 सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे और इसे भी हम भूनेंगे। यहाँ तीखे के लिए मैंने 1 मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ 2 या 3 डाल सकते हैं आप टमाटर के हिसाब से। इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूनिएगा जिससे चना जले नहीं। अब चना जब भून जाए तो इसमें डालेंगे 2 टमाटर को कट कर लिया है और इसे हम डाल देंगे और इसे भूनेंगे। टमाटर को हमें पका लेना है अच्छे से। अब इसे हम ढक देंगे जिससे टमाटर जल्दी से पकेंगे। इसे आप बीच बीच में चलाते रहिएगा जिससे टमाटर नीचे चिपके नहीं। अगर आप लोग यहाँ प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, साथ में डाल दीजिएगा जिससे टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाएंगे। तो चलिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे और चटनी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ 10 से 20 मिनट हो गए हैं, तो हमारा घोल भी अच्छे से सेट हो चुका है। बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इसी तरह की हमें घोल बनाकर तैयार करना है। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, और इधर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हम डालेंगे तेल और इसे करछे की मदद से चारों तरफ से इसे फैला लेंगे। अब इस मुरमुरे के नाश्ता को अच्छे दिखने के लिए मैंने यहाँ तवे पर सरसों डाल दिया है। जब सरसों चटक जाए तो इसमें मुरमुरे का 1 करछी बैटर डालेंगे तवे पर, और उसे करछी की मदद से हल्का सा हम फैला लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं फैलाइएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बनेंगे। ये थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। अगर यहाँ पर घोल गाढ़ा है तो इसमें आप पानी डाल दीजिएगा और घोल बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अगर घोल पतला है तो इसमें आप सूजी डाल दीजिएगा तो ये अच्छे से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मुरमुरे का उत्तपम बना रहे हैं। ये यूनिक रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बैटर को डालने के बाद हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हम टमाटर
और गाजर को भी डाल देंगे। लेकिन मैंने यहाँ टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ प्याज और गाजर का इस्तेमाल किया है। प्याज और गाजर को डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल देंगे, जिसे चटपटा और तीखा लगेगा। तो गाजर और प्याज को डालने के बाद हम इसे पकने देंगे और इसे हम ढक देंगे, जिसे ये अच्छे से पकेंगे और ये अंदर से कच्चे भी नहीं रहते हैं। इसे आप मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा ढक कर। इसे एक साइड 5 मिनट के लिए पकने दीजिएगा, फिर इसके ऊपर तेल डाल दीजिएगा, जिसे ये पलटने में आसानी होगी और ये नीचे से जलेगी भी नहीं। अब इस करछी से चारों साइड से हम पहले इसे छुड़ा लेंगे, जिसे पलटने में आसानी होगी। अब इसे हम पलट देंगे और इसे 5 मिनट के लिए दूसरे साइड से भी इसे हम पकने देंगे। लेकिन इसे हमें ढकना ही है, नहीं ढकिएगा तो ये अच्छे से नहीं पकेगा। चलिए हम इसे पलट लेते हैं और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है एक साइड का। फ्रेंड्स, हमने मुरमुरे के चाट खाए हैं, मुरमुरे के लाई भी खाए हैं। तो ये मुरमुरे की यूनिक रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसे हम दोनों साइड से इसे पका लेते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे कुछ टमाटर की चटनी के साथ, जो हमने आगे वीडियो में दिखाई थी। तो ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं, अब इसे हम चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। इसे मैंने थोड़े अच्छे दिखने के लिए मैंने 4 भागों में कट कर लिया था, जिसे ये देखने में अच्छे लगे। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।